खरगोन जिले के कसरावद में भीम आर्मी का जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह रखा गया, जहां भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी कार्यक्रम के शासन को नियमानुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए समिति के लोगों द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खालिद सूफी इंदौर द्वारा रिबिन काटा गया। कार्यक्रम में गए सभी पदाधिकारी मौजूद थे और खरगोन जिले के सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले के बड़वा महेश्वर कसरावद ब्लॉक कार्यक्रम की नियुक्ति की गई। जिला प्रभारी रविंद्र खांडेकर, जिला संयोजक हेमंत उपाध्याय, जिला वरिष्ठ सलाहकार तस्लीम खान, कसरावद ब्लॉक प्रभारी दिनेश खोड़े, नरेंद्र अरविंद, नईम शाह, जमील पेंटर, हिदायत शेख, फिरदौस खान और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। जो ये भीम आर्मी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो खरगोन की बजाय कसरावद में किया गया है, उसका कारण ये है कि हमारा पैतृक गांव बलखड़ है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीमार भारत एकता मिशन का और कसरावद मेरी गृह ब्लॉक है, तो इसलिए उठना बैठना ज़्यादातर यहाँ है, तो यहीं से संचालित करना। खरगोन में आने जाने की दिक्कत है, बहुत लंबा पड़ा। अच्छा, भीम आर्मी का पहला लक्ष्य क्या होगा? भीम आर्मी का पहला लक्ष्य ये है कि जो भी सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना है संविधान और आरक्षण को। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही कि अब भीम आर्मी का कार्यालय खुल चुका है, अभी जो भी जिले की समस्या है उसका यहाँ से निराकरण होगा, सामाजिक न्यायिक और संवैधानिक लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी। जो आजाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ेगी अभी, हाँ, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे आगे से कार्यकारिणी के, अगर दिए जाएंगे तो लड़ेंगे। बिहार चुनाव में भी आप अपनी पार्टी के लोग उतार रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम आपका? सुनील चौहान, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला करवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।